हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी के सामने आज मैं लेकर आया हूँ डेनापार AQ इंजेक्शन। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने है डेनापार AQ इंजेक्शन। दोस्तों, आज सभी को मैं आप लोगों को टोटल डेनापार AQ के बारे में पूरी जानकारियाँ दूंगा। हम इस इंजेक्शन को कौन से कंडीशन में ला सकते हैं और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं डेनापार AQ का जो कंपोजिशन है। आप देख सकते हैं इसका ऊपर लिखा हुआ है डेक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन IP 75 mg/ml। तो दोस्तों, 1 ml में 75 mg का डेक्लोफेनेक सोडियम रहता है। दोस्तों ये जो डेनापार AQ है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग करता है दोस्तों, ये कंपनी लिखा हुआ आप देख सकते हैं ट्रोएका फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। और दोस्तों, ये देखिए आपके सामने ये कैसे एक पैक में 5 ampoules आता है दोस्तों डेनापार AQ का, आप देख सकते हैं। और इसका जो मार्केट प्राइस है ये भी दिखा लेता हूँ आपको, ये है 152 rupees होता है ये 5 ampoules को मिला के। तो दोस्तों, हम पहले जान लेते हैं ये जो डेनापार AQ है हम कौन से कंडीशन में यूज में लाएंगे और किस एज के श्रेणी के लोग में हम ये यूज में ला सकते हैं और इसका साइड इफ़ेक्ट एक्चुअल में क्या होता है। तो दोस्तों, पहले तो हम जान लेते हैं डाइक्लोफेनेक सोडियम जो होता है दोस्तों, ये एक पेन किलर कंपोजिशन है जो कि आपके बॉडी में आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो गया, गोट का प्रॉब्लम हो गया, मसल स्पाजम हो गया आपका बॉडी में, बैक पेन हो गया, स्टोमैक पेन हो गया, दोस्तों ये सब दर्द को निवारण करता है डेनापार AQ इंजेक्शन। ये दोस्तों एक इंडिया का ऐसा कंपनी है जो ट्रोएका फार्मास्यूटिकल है। दोस्तों, ये 1 ml में 75 mg का जो सोडियम डेक्लोफेनेक सोडियम है दोस्तों, ये पूरा टोटल प्योर है। आप देख सकते हैं बेंजाइल अल्कोहल 4% मिला हुआ है, इसमें कुछ सर्फेक्टेंट्स भी नहीं मिला हुआ है दोस्तों, इसीलिए डेनापार AQ उसका क्या क्या है देखिए। आप उसके टोटल लिखा हुआ है दोस्तों कि द वर्ल्ड्स ओनली पेनलेस डेक्लोफेनेक इंजेक्शन प्रोटेक्टेड बाय ग्लोबल पेटेंट्स। मतलब दोस्तों, डेनापार AQ जो है ये ग्लोबल पेटेंट्स भी हुआ है। आप देख सकते हैं इंडियन पेटेंट नंबर भी है, US में भी चलता है और यूरोप पेटेंट नंबर भी है। दोस्तों, इतना पेटेंट नंबर होने के साथ साथ ये इसका हम IV इन्फ्यूज़न में भी यूज कर सकते हैं, IV बॉल्स में भी यूज कर सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो हम पहले जान लेते हैं डेनापार AQ का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। दोस्तों, ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है क्योंकि हम डेनापार AQ जो इंजेक्शन है दोस्तों, ये खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। आप अगर खाली पेट में है पेशेंट और आपको आप ये इंजेक्ट कर दिए तो दोस्तों नॉर्मल सी कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे कि नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, स्टोमैक पेन हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है दोस्तों। इसीलिए आप ये जाना पड़े कि जिस भी पेशेंट को आप यूज कर रहे हैं तो वो पेशेंट ज़रूर कुछ खा लिया होगा, खाली पेट में ना रहना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, फिर मैं बताना चाहूँगा ये जो डेनापार AQ है दोस्तों, आपको जैसा भी पेन है, दर्द जितना भी हो रहा होगा, एथलेटिक्स हो गया, बैक पेन हो गया, मसल पेन हो गया, तो दोस्तों ये 20 मिनट्स में रिलीव कर देता है दोस्तों। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है क्योंकि मैं भी खुद यूज किया हूँ दोस्तों और इसका रिजल्ट मैं खुद देखा हूँ, बहुत एक्सीलेंट है दोस्तों। ये 15 मिनट में दर्द जैसे भी हो पूरा गायब कर देगा। और ये इसका जो यूज करने का तरीका है दोस्तों, ये 22 साल से ऊपर जितने भी पेशेंट होंगे उसमें हम यूज कर सकते हैं, 20-22 जितने भी हो, 20 ईयर्स के ऊपर दोस्तों हम ये यूज में ला सकते हैं। अगर आपका आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो दोस्तों ये जो एम्बुल्स है डॉक्टर तय करते हैं दोस्तों आपको कंटिन्यूसली कितने दिन यूज करना है। ज़्यादातर तो दोस्तों डेक्लोफेनेक इंजेक्शन 5 ampoules का आता है एक पैक में, और इसको अल्टरनेटिव डेज में 5 alternative days में दिया जाता है दोस्तों, ये 5 ampoules को एक साथ। तो मतलब 5 alternative days में देने के बाद अगर पेशेंट का प्रॉब्लम्स सुधार ज़्यादा नहीं आया होगा तो दोस्तों डॉक्टर इसको तय करते हैं कि वो कितने दिन देंगे। तो सेल्फ कभी भी ना कीजिए दोस्तों, क्योंकि हार्मफुल हो सकता है। विदाउट एनी फार्मासिस्ट और डॉक्टर के बिना सलाह से आप इसको प्रयोग में ना लीजिए। बच्चों में तो देना नहीं है दोस्तों, क्योंकि एडल्ट डोज है। और दोस्तों, मैं कुछ फोटोक्लिप्स भी दे दूँगा फ्रंट में, आप लोग देख लेंगे, वो प्रॉब्लम्स में हम ये एम्बुल्स को यूज में ला सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। डायनापार एक्यू के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दे दिया। और दोस्तों अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हैं तो आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उन लोगों का डाउट्स क्लियर कर दूंगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।